गुरुवार देर शाम छापरी फाटे के समीप सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इससे युवक की मौत हो गई। अस्पताल में पहुंची पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस दौरान अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह मंडवाड़ा होंडा बाइक के शोरूम पर काम करने वाले अंजल निवासी मैकेनिक जितेंद्र गुरुवार देर शाम अपनी बाइक लेकर घर लौट रहा था। जैसे ही वह छापरी फाटे के पास पहुंचा, सामने से आए अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना की सूचना 108 एम्बुलेंस और पुलिस को करने पर घायल अवस्था में जितेंद्र को अंजल अस्पताल लाया गया, जहां मौजूद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना लगते ही अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस के पहुंचने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएम कक्ष में रखवाया गया। इस दौरान परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सर, अभी एक्सीडेंट का मामला है क्या है? हाँ, अभी एक पेशेंट जिनका नाम जितेंद्र पिता मोहन 43 साल मेल विश्वकर्मा अंजड़ बताया जा रहा है, उनको 108 वाहन के द्वारा अस्पताल लाया गया एवं उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण करने के दौरान उन्हें मृत अवस्था में पाया गया। अतः हमने पुलिस सूचना बनाकर पुलिस सूचना भेज दी गई। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए अंजड़ से रोहित मंडलोई की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। गुरुवार देर शाम छापरी फाटे के समीप सामने से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इससे युवक की मौत हो गई। अस्पताल में पहुंची पुलिस ने शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस दौरान अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह मंडवाड़ा होंडा बाइक के शोरूम पर काम करने वाले अंजल निवासी मैकेनिक जितेंद्र गुरुवार देर शाम अपनी बाइक लेकर घर लौट रहा था। जैसे ही वह छापरी फाटे के पास पहुंचा, सामने से आए अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। दुर्घटना की सूचना 108 एम्बुलेंस और पुलिस को करने पर घायल अवस्था में जितेंद्र को अंजल अस्पताल लाया गया, जहां मौजूद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की सूचना लगते ही अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस के पहुंचने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए पीएम कक्ष में रखवाया गया। इस दौरान परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सर, अभी एक्सीडेंट का मामला है क्या है? हाँ, अभी एक पेशेंट जिनका नाम जितेंद्र पिता मोहन 43 साल मेल विश्वकर्मा अंजड़ बताया जा रहा है, उनको 108 वाहन के द्वारा अस्पताल लाया गया एवं उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण करने के दौरान उन्हें मृत अवस्था में पाया गया। अतः हमने पुलिस सूचना बनाकर पुलिस सूचना भेज दी गई। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए अंजड़ से रोहित मंडलोई की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।